ओके मैं फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरी वन में ट्राई uh, uh, करूंगा मेरा हिंदी उतना ठीक नहीं है बट आप लोग को uh, हिंदी में ही पूरा जितने मेरे लेक्चर uh, के सेशन है मैं आपको हिंदी में ही बोलूं और आप लोग का जितने सारे क्वेश्चन हैं आप हमसे लेक्चर uh, के एंड में दिल खोल के पूछ सकते हैं मछली पालन में कोई भी चीज वो बीमारी हो फिश के फिट के बारे में हो नॉलेज के बारे में हो मेरा जो आज के टॉपिक एलोकेटेड किया गया है वो है फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर मीठा पानी में जो हम लोग मछली पालन करते हैं उसमें क्या क्या मछली पालन हम लोग करते हैं आगे जाके और क्या क्या कर सकते हैं मीठा पानी में और साथ में मीठा पानी में जो मछली पालन होते हैं इसके इकोनॉमिकल वायबिलिटी क्या है उसको करने से पैसा आता है नहीं आता है ऑलरेडी आप लोग जानते हैं बिहार प्रदेश में बहुत सारे स्कीम चल रहे लास्ट तीन चार साल से एक दो स्कीम है एक है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो सेंट्रल गवर्नमेंट के फंडेड है पूरा भारत में चल रहा है और साथ में रिसेंटली लास्ट एक डेढ़ साल पहले मुख्यमंत्री फिशरीज करके भी एक योजना बिहार गवर्नमेंट भी चालू किए हैं तो जितने सारे योजना है उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट आप देखोगे फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर रिलेटेड है और हमारे जो बिहार प्रदेश है वो बेसिकली मीठा पानी के साधन ज्यादा होने के कारण हम लोग यहाँ पर बाकी वाले फिश के बारे में डिस्कस नहीं कर सकते हैं बेसिकली जो मछली पालन होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं एक मीठा पानी में एक खारा पानी में और एक समुन्दर वाले मगर हम लोग आज जो डिस्कशन करेंगे वो बेसिकली मीठा पानी में हम लोग कैसे कर सकते हैं मछली पालन इसके ऊपर है मेरा नाम देवतनु बर्मन है मैं एक ऑर्गेनाइजेशन चलाता हूँ डॉक्टर सोल्यूशन करके कैलकाटा बेस्ड है और हम लोग लास्ट सात साल में मीठा पानी के ऊपर बहुत सारे प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं उसका भी फोटोज आप लोग को हम दिखाएंगे जैसे मछली पालन में दो तीन चीज बहुत क्लियर होना चाहिए आपको आ, एक होता है वाटर बेस जिसमें पानी के साधन के बिना हम लोग कोई काम नहीं कर सकते हैं एक है केजेस जिसमें हम लोग जाल लगा के मछली छोड़ते हैं एक है पेन्स पेन्स के अर्थ हुआ एक तरफ आपके कोई मिट्टी वाले ऊंचा साइड रहेगी और तीन तरफ से आप उसको पानी से घिर घिरा रहेगा उसमें आप नेट लगा के भी मछली पाल सकते हो उसका भी सब सिस्टम के मैं फोटोज दिखाऊंगा लास्ट में एक है रिवर और रिजर्वायर जैसे नदी में भी मछली पालन हम लोग करते हैं गंगा के जो बेसिन हमारे पास है उसमें भी आप देखना बहुत लोग जाल लगा के मछली के जीरा के पालन करते हैं आ, साथ में बड़ा मछली की भी करते हैं कोई कोई तो नदी के पास अः भी डालते हैं और एक है लैंड बेस्ड लैंड बेस के मात हुआ जिसमें मिट्टी के ऊपर ही हम लोग को सब कुछ करना है जैसे हो, आपके हो गया एक है रेसवे एक है बायोफ्लॉक एक है आपके टैंक सीमेंट के जो टैंक्स है वो सब हो गया और एक है रिसाइकलिंग सिस्टम जैसे उसमें बहुत कॉमन जो सिस्टम है वो है बायोफ्लॉक सिस्टम ऑलरेडी बहुत लोग आप लोग के बीच में भी होंगे जो लोग ये सिस्टम में चला रहे हैं मछली पालन कर रहे हैं साथ में और एक है आर एस सिस्टम और एक है हाई कंट्रोल मेजर सिस्टम जैसे सीमेंट टैंक बना दिया उसमें सब कुछ ऑटोमेटिक है टाइम से खाना दाना पड़ रहा है टाइम से आपके उसके अ, अंदर वाटर क्वालिटी पैरामीटर आप चेक कर रहे हो उ, उस टाइप के सिस्टम और एक है इंटीग्रेटेड सिस्टम जिसमें हम लोग मछली के साथ बत्तख पालना गाय पालना उसके बाद पिगरी करना ठीक है हॉर्टिकल्चर करना आ, बागवानी करना ये सब हम लोग करते हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम और एक जो है हमारे साथ और एक है जिसमें सुनोगे अभी झींगा का भी पालन सादा मछली के साथ होते हैं वो भी इसके साथ ही आते हैं हमारे क्या गोल है नियर फ्यूचर में कहा पर आप देखोगे एक्वाकल्चर डेवलपमेंट हो रहे हैं उसका है दिन के दिन हमारे ना मीठा पानी के साधन घट रहे हैं आप देखोगे पूरा वर्ल्ड में पीने का पानी का साधन मात्रा थ्री परसेंट है उसके अंदर आप लोग जब मछली पालोगे और भी बहुत सारे एक्टिविटी करोगे हमारे पास मीठा पानी के साधन बहुत कम है इसलिए हम लोग को नियर फ्यूचर में हाईटेक टेक्नोलॉजी बेस करना है एक ही पानी से कैसे हम लोग साल भर मछली पालन कर सकते हैं यही नियर फ्यूचर के हमारे एक्टिविटीज है यहाँ पर मैंने एक आ, एक चार्ट दिखा रहा हूँ जिसमें आप देख पाओगे कैसे मछली पालन आ, आ, हो रहा है आप यहाँ पर देखो एक ट्रेडिशनल फार्मिंग है जहाँ पर 1980s में सिर्फ पानी था और जाके जीरा छोड़ दिया और मछली को साल भर के एंड में जाके उठा के बेचना था फिर आया मॉडिफाइड एक्सटेंसिव सिस्टम नाइनटीन में उसमें क्या हुआ उसमें सीट छोड़ने के साथ थोड़ा सा भोजन देना हम लोग चालू किए और अर्थ जिस दाना देना हम लोग कुछ चालू किए उसमें uh, 1990s में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हुआ उसके बाद आया सेमी इंटेंसिव उसमें 2000 के जो इयर्स है उस टाइम में क्या हुआ सीड फीड और साथ में थोड़ा सा मेडिसिन सप्लीमेंट उसमें ऐड करना चालू किए उसके बाद अभी जो नया एरा चल रहा है uh, 21 सेंचुरी के इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें हम लोग सीड फीड मेडिसिन और साथ में एरिएशन और भी बहुत सारी चीज इसके साथ जोड़ के हम लोग हाई डेंसिटी में मछली पालन कर रहे हैं उसका अर्थ क्या हुआ दिन के दिन हमारे यहां पर मछली पालन के जो टेक्नोलॉजी है वो डेवलप्ड हो रहे हैं और साथ साथ में प्रोडक्शन की भी कैपेसिटी बढ़ रहे हैं आप लोग शायद जानते हैं तब भी मैंने सोचा थोड़ा बहुत मछली के बारे में भी आपको भी मैं नॉलेज दूं जो फ्रेश वाटर में होते हैं ये जो फिश है इसको कतला कहा जाते हैं कतला तालाब में आपके ऊपर की तरफ के मछली है आप उसका लिप्स देखोगे उसका मुंह देखोगे उसका सर काफी बड़ा होता है बदन के अनुसार मगर आप मार्केट प्राइस देखोगे इस फिश के काफी ज्यादा डिमांड है और एक है सिल्वर कार्प वो भी ऊपरी तरह के फिश है जो कतला जू खाते हैं और आपके जो सिल्वर कार्प हैं ये uh, आपके अः फाइटो प्लान्टन खाते जो प्लांट से बनते हैं ए है आपके रोहू रोहू आपके बीच के मिडल के मछली है मृगल तालाब के नीचे वाले मछली है कमन कार्प ये भी आपके नीचे वाले मछली है आप लोग एक शायद नया मछली के नाम सुने होंगे लास्ट तीन चार साल से इसका नाम है आमूर कार्प जो ठंडा में भी बढ़िया ग्रोथ देते हैं और गर्मी में भी आमूर कार्प अभी लास्ट तीन चार साल से आदमी बहुत अच्छा कर रहे हैं और इसका ग्रोथ रेट काफी फास्ट है और एक है ग्रास कार्प जो बेसिकली ग्रास खाते रहते हैं ये भी आपके आमूर कारपी है बेसिकली और एक है प्रॉन जिसको हम लोग फ्रेश वाटर झींगा बोलते हैं ठीक है जिसको बंगाली में हम लोग गोलदा चिंगरी बोलते हैं और आप लोग आ, आ, बड़ा साइज के फ्रेश वाटर झींगा इसको हम लोग बोलते हैं इसका इंग्लिश नाम है मैक्रोबिकम रोजन बार्गी. आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट जानना बहुत इंपॉर्टेंट है जो लोग मछली पालन के साथ जुड़े हुए हैं हाथ में जैसे पांच फिंगर है मछली पालन में भी ऐसे पांच तत्व है उसके बिना आप लोग अच्छा मछली पालन कर नहीं सकते हैं एक है आपके जेनेटिक्स मीन्स जीरा बरिया होना चाहिए सेकेंड है एनवायरमेंट कहां पर आप मछली पाल रहे हैं उसके बाद है आपके थर्ड है आपके मैनेजमेंट आप देखभाल कैसे कर रहे हैं फोर्थ है आपके मछली के जो हेल्थ सही है न गलत है इस सब सारे चीज आपके चारों चीज एक साथ मिलके आपका जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है न्यूट्रिशन क्या आप भोजन दे रहे हैं फाइव फिंगर जैसे हाथ में है पांच तत्व भी मछली पालन में है एक है अच्छा बीज अच्छा एनवायरमेंट अच्छा मैनेजमेंट अच्छा हेल्थ और आपके अच्छा भोजन और हमारे इंडिया में और साथ साथ में पूरा ईस्टर्न जोन में हम लोग मछली पालन प्रॉफिट क्यों नहीं कर पा रहे हैं उसका दो तीन चार कारण है एक है मछली ज्यादा क्वांटिटी में छोड़ते हैं ग्रोथ बढ़िया नहीं आते हैं डिजीज आ जाते हैं और खाने का कॉस्ट दिन के दिन बढ़ जाते हैं मछली के प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ने के कारण मार्केट में उसका बेचने का कॉस्ट डाउन होते हैं जिस कारण से हम लोग कोई भी बच्चा रेट नहीं मिल नहीं मिलते हैं ठीक है तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए अच्छा जीरा छोड़िए अच्छा भोजन दीजिए अच्छा मैनेजमेंट करिए और अच्छा प्रॉफिट आपको जरूर आएगी ठीक है मैं आपको कुछ कुछ चीज अभी दिखाना चाहता हूं जो बेसिक है जो फार्मर करते हैं फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर वो है तालाब में हमेशा प्लैंकटन डेंसिटी के ऊपर फोकस करें तालाब में अच्छा हल्का सा ग्रीन पानी रहे वो बढ़िया होना चाहिए प्लैंकटन जितने अच्छे होंगे भोजन की मात्रा कम देने से भी काम चलेंगे और फिश आपके नेचुरल भोजन खाते रहेंगे तालाब प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है तालाब प्रिपरेशन के टाइम पानी आप लोग को ऐसे जस्ट पंप लगा दिया पानी डंप कर दिया ऐसे मत करिए पानी को अच्छा से फिल्टर करके तालाब में छोड़िए जैसे बीमारी ना आए और साथ में ये जो फोटो है ये फोटो हमारे लिए बहुत एप्लीकेबल है हाँ, मेरे ख्याल से ऊपर के जो फोटो है हम लोग कोई मेंटेन नहीं करते हैं ऊपर के फोटो आप देखोगे उसमें लिखा है गुड स्टॉकिंग डेंसिटी कम छोड़ो ज्यादा ग्रोथ लो और हम लोग क्या करते हैं नीचे में जाते रहते हैं हम लोग छोड़ते हैं ज्यादा मछली छोड़ेंगे तो ज्यादा ग्रोथ आएगी ज्यादा पैसा आएगी मगर ये संभव नहीं है कम छोड़िए अच्छा भोजन दीजिए कम समय में बड़ा साइज के मछली करके मार्केट में बेचिए स्टॉकिंग डेंसिटी करने के बीच बीच में आपको को तालाब में देखना चाहिए मछली के जीरा अच्छा से दिन के टाइम में छोड़िए और साथ में मछली के जीरा छोड़ने के पहले मछली के जीरा का भी क्वालिटी ध्यान से रखिए मछली के जीरा इक्वल साइज के होना चाहिए बदन में कोई घाव नहीं होना चाहिए उसके बाद कोई बड़ा साइज के मछली मत छोड़ दीजिएगा मछली एक्टिव रहे कलरफुल रहे उसका अर्थ ये है जितने मछली आपके एक्टिव रहेंगे उतने अच्छे आपके ग्रोथ भी आएंगे हमारे ज्यादातर आदमी क्या करते हैं सस्ता में जीरा ढूंढते रहते हैं सस्ता में जीरा ढूंढते हैं तालाब में डालते हैं ग्रोथ अच्छे नहीं आते भोजन के कॉस्ट हम लोग डालते रहते हैं और दिन के एंड में हमारे प्रॉफिट नहीं आते हैं ये आपको एक फोटो दिखा रहा हूं एक फार्मर्स फील्ड के देखिए मछली कितने अच्छे हैं बीज हमेशा बड़ा साइज के छोड़ने से बढ़िया रिजल्ट आपको आएगी ठीक है आपके पंगासियास इसका भी आप जीरा देखिए कितना बड़ा साइज के हम लोग छोड़ते हैं जितने बड़ा साइज छोड़ेंगे उतना अच्छा बढ़िया होंगे यहाँ पर एक मैं फोटो दिखा रहा हूँ जिसमें पानी के क्वालिटी मेंटेन होते हैं पीएच के ऊपर पीएच के रेंज कितना होना चाहिए पीएच बेसिकली सेवन के ऊपर होना चाहिए उसका मतलब है न्यूट्रल से जितना आप एल्केलाइन रखोगे उतना तालाब में अच्छा ग्रोथ आएगी मछली के प्लैंगटोन बढ़ेगी और मछली अच्छा खाएगी ठीक है और बीच बीच में पोटेशियम पारमेंगन की भी छिड़काव करना चाहिए ठीक है और आप ये सब चूना जब दोगे मिनोरिंग जब करोगे उसमें क्या आएगी फाइटो आएगी जू प्लैंगटेन आएगी वो बेसिकली मछली के, के नेचुरल भोजन है यहां पर मैंने दिखा रहा हूं जैसे हम लोग बहुत लोग गोबर डालते रहते हैं अः उसके बाद बफेलो के मिनी मिनियो डालते दा, दा, रहते हैं पोल्ट्री के लीटर डालते हैं मगर इस टाइप के तालाब के बीच में ये सब डंप करने से आपके तालाब में गैस बनते हैं ये चीज सही नहीं है इसलिए आपको क्या करना चाहिए एक पीठ बना लीजिए जहां पर गोबर डालिए उसके साथ उसको फार्मेंट करिए फार्मेंट करने के बाद उसको आप जब बार्मी कंपोस्ट टाइप के बना रहे हैं कंपोस्ट बना के उसको साथ बार्मी कंपोस्ट वाम बना के उसके साथ एजोला हो बार्मी कंपोस्ट ये सब देके आप उसको तालाब में ऐसे छिड़काव करिए आप जब ऐसे छिड़काव करोगे पूरा तालाब में आपके बढ़िया से प्लेंटोन आएगी और एक क्या है भर्मी कंपोस्ट के साथ धनीचा करके एक प्लांट है धनीचा धनीचा को एकर में आप 30 से 40 ग्राम जब दोगे पूरा तालाब के ऊपर पानी भरने के पहले धनिचा के प्लांट आ जाएगी तो पानी के नीचे वो होके पानी में बहुत मात्रा में प्लैंकटन लाएगी एक दो महीना आपको उसमें कुछ नहीं डालना है भोजन डालने का जरूरत नहीं है पूरा तालाब में प्लैंकटन रहेगी ठीक है और साथ साथ में जो लोग जूस करते हैं जूस का अर्थ क्या हुआ उसमें आप आ, खली खली जो मूंगफली के खली है सरसों के खली है उसको आप साइड में तालाब के साइड में एक प्लास्टिक के ऊपर आप सरा के सराके एट आवर्स तक फार्मेंटेशन करवा के पूरा तालाब में छिड़काव करने से उसमें भी तालाब में बोरिया ढंग से प्लैंकटन और फाइटो के साथ जू भी आते रहते हैं ठीक है आप जो लोग फीडिंग करते हैं डंप करके फीडिंग मत करिए आप ऐसे बाकेट लगा दीजिए बोरी लगा दीजिए और बोरी में बाकेट में होल कर दीजिए जैसे फिश उसको भोजन मिल सके और जो लोग झींगा पालते हैं स्कैम्पी छोड़ते हैं वो लोग कुछ कुछ एरिया में इस टाइप के शेड एरिया दे सकते हैं फिश के लिए जो फिश आपके तालाब में है उसको एक शेडी एरिया मिले जहां पर वो आराम से रह पाए ठीक है और बा फेंसिंग और ऊपर में फेंसिंग देना बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे प्रीडेटर फिश प्रीडेटर बर्ड आपके तालाब में खराब ना करें प्लैंकटन बीच बीच में चेक करते रहिए प्लैंकटन नेट से और वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर मैंने कुछ वाटर क्वालिटी पैरामीटर आपको दिए हैं फ्रेश वाटर के लिए जैसे पीएच कितना होना चाहिए ऑप्टिमम लेवल में सिक्स पॉइंट सेवन टू एट पॉइंट सिक्स मैंने लिखा है सात के ऊपर होना चाहिए डिजल ऑक्सीजन कितना होना चाहिए हार्डनेस कितना होना चाहिए टेम्परेचर जितना बढ़िया होंगे उतना अच्छा ग्रोथ आएगी ठीक है एमोनिया कितना होना चाहिए ये सब ऑप्टिमम रेंज में हम लोग को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है और बीच बीच में ऑक्सीजन कम होने के कारण आपको पानी के छिड़काव करना चाहिए एक पंप लगा के पानी एक ही तालाब के पानी एक ही तालाब में आप फेंक के उसमें ऑक्सीजन आप बढ़ा सकते हो जैसे मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ ठीक है और जो लोग ये नहीं कर सकते वो लोग एरिएटर भी यूज कर सकते हैं एरिएटर लगाने से आपके तालाब में ऑक्सीजन के मात्रा बढ़ते हैं और स्टॉक इंडेन्सिटी आप इंप्रूव कर सकते हैं ठीक है तो तालाब में आप जब ये सब सिस्टम रखोगे तभी आपके बीमारी नहीं आएगी मगर सिस्टम जैसे आप सही नहीं होंगे तभी आपके बीमारी आएगी ये गया आपके वाटर क्वालिटी और तालाब के प्रिपरेशन के बाद अभी जो चीज डिस्कस करेंगे वो है भोजन हम लोग हमेशा सोचते हैं कुछ खली डाल दिया कोई ब्रांड डाल दिया कोई राइस पॉलिश डाल दिया वही मछली के भोजन है मछली को एक बैलेंस डाइट चाहिए जिसमें मछली अपना भोजन खुद खा सके और मछली को एक न्यूट्रिशन बैलेंस फूड देना चाहिए इसलिए इसलिए मार्केट में आप देखोगे बहुत सारे कंपनी के भी फीड अवेलेबल है और जो लोग चाहते हैं खुद के भोजन और खुद के फीड बनाएंगे वो लोग भी खुद के फीड बना सकते हैं यहाँ पर मैंने एक फोटो दिखा रहा हूं जो सामने का फोटो है पतला वाला उसमें आप देखो फिश खा रहे हैं मगर ग्रोथ नहीं आ रहे हैं ठीक है और उससे क्या हो रहा है अमोनिया बढ़ रहे हैं बीच क्या है फिश को हम ऑप्टिमम भोजन दे रहे हैं फिश के ऑप्टिमम ग्रोथ हो रहे हैं और जो लास्ट वाले फिश है वो हाई प्रोटीन खा रहे हैं मगर ग्रोथ नहीं बढ़ रहे उसके बदन में फैट की मात्रा बढ़ रहे हैं ठीक है तो इसलिए हम लोग को हमेशा ऑप्टिमम रेंज में फिश को खिलाना खिलाना इंपॉर्टेंट है और जैसे जो लोग भोजन देते हैं हमेशा ट्राई करिएगा एमाइनो एसिड कितना है उसको जानकारी लेने के लिए खिलाने से मछली के ग्रोथ नहीं आती है एमाइनो एसिड होना चाहिए जैसे हम लोग जो घर बनाते हैं उसमें बालू और ब्रिक्स जो ईटा है उसके साथ सीमेंट का भी रोल इंपॉर्टेंट है सीमेंट कम देने से उस घर की मजबूती कम होते हैं सीमेंट ज्यादा देने से मजबूती ज्यादा होते हैं और मछली पालन में भोजन के मात्रा में एमाइनो एसिड की प्रोफाइल स्ट्रांग होना इंपॉर्टेंट है मैं इसलिए यहाँ पर लिखा हूँ प्रोटीन मतलब एसिड और अच्छा भोजन मतलब न्यूट्रिशनल बैलेंस फूड ठीक है ए फोटो आ, उन लोग के लिए है जो लोग मछली पालन करते हैं मगर मछली के पाचन तंत्र के बारे में आइडिया नहीं है मछली में कोई आ, स्टोमाक नहीं है जैसे हम लोग का मुर्गी में स्टोमाक है गाय में स्टोमाक है आ, उसके बाद आ, आप लोग जो बकरी पालन करते उसमें स्टोमाक है मगर मछली में कोई स्टोमाक नहीं है मछली खाते रहते हैं भोजन अच्छा रहेगा तो उससे न्यूट्रिशन लेगी अच्छा नहीं लगेगा मुंह से और उसके पीछे से उसको बाहर में छोड़ देगी आपको यहाँ पर जो फोटो में दिखा रहा हूं आप आज एक मछली काट लेना घर में जाके देखना उसमें कोई स्टोमाक नहीं है पंगास जो मछली है पंगास वो क्या करते हैं सामने के जो मुंह के सामने के जो नीचे जो पोर्शन है उसका फेफड़ा है उसमें थोड़ा सा दाना भोजन स्टोर करके रखते हैं कभी कभी वो रात के टाइम उस दाना को भोजन को फिर खाते रहते हैं ठीक है और बेसिकली रोहू कतले जितने सारे फिश है उसमें कोई भी स्टोमक नहीं है ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है खाना कभी भी डंप मत करिए ठीक है खाना हमेशा एक ट्रे बना के बल्टी में बना के बोरी में बना के हमेशा दीजिए फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर में भोजन और भोजन खिलाने का जो सिस्टम है वो काफी इंपॉर्टेंट है दाना बहुत टाइप के हैं फ्लोटिंग दाना है जो पानी के ऊपर तैरते रहते हैं और एक सिंकिंग दाना है जो पानी के नीचे कुछ समय के बाद नीचे चल जाते हैं दाना खिलाने से आपकी मछली भी एक साल में इतना बड़ा हो सकता एक है एक फार्मर के फोटोज हैं आपको एक समझाने के लिए न्यूट्रिशनल भोजन देंगे तभी अच्छा फिश के ग्रोथ आएगी अच्छा नहीं खिलाएंगे तो अच्छे ग्रोथ आपके कभी नहीं आएंगे ये भी एक फार्मर्स के फोटो है कतला फिश अभी हम लोग पहले बात किए थे तालाब के बारे में फिर बात किए भोजन के बारे में अभी कुछ बात करते हैं डिजीज के बारे में ठंडा में सबसे ज्यादा जो बीमारी आते हैं वो ईयूएस e है अल्सर डिजीज है उसके बाद है सेप्टोलोजनिया कौ डिजीज उसके बाद लार्निया, ये होता है एक्टोपेरासाइट चूहे जो हम लोग बोलते हैं ना जू जू जैसे आदमी के भी होते हैं फिश में भी जू आते रहते हैं अल्सर ड्रॉपसी मछली के पेट के नीचे पानी आना माइकोसिस गिल नेक्रोसिस ए आपके ड्रॉपसी है बहुत सारे बीमारी है मैं कुछ कुछ बीमारी के फोटो कंटिन्यूस दिखा रहा हूं सिंगी में जैसे अचानक फिश के बदन से मांस गिर जाना तो ये जो जितने सारे डिजीज है आप देखोगे डिजीज बेसिकली क्यों आते हैं डिजीज बेसिकली आते हैं अच्छा वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट नहीं है आपके अच्छा भोजन खिलाते नहीं है आप और अच्छा भोजन नहीं खिलाने के कारण डिजीज के भी आउटब्रेक आते रहते हैं अभी हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर में और क्या क्या चीज हो सकते हैं और क्या क्या हम लोग मछली पालन के साथ और भी क्या क्या कर सकते हैं बढ़िया साइज के मछली छोड़िए बढ़िया ग्रोथ लीजिए एक टिप्स मैं आपको बोल रहा हूं जो लोग चूना नहीं यूज कर सकते हैं वो लोग जो धान काटने के बाद धान काटने के बाद जो उसके रह जाते हैं राइस स्ट्रॉ उसको आग में जला के जो उसका छाए आते हैं उसका जो ऐश बनता है वो तालाब में यूज करिए थोड़ा नमक के साथ वो भी अच्छा ठंडा के टाइम काम करते हैं और पीएच की मात्रा बढ़ाते हैं ठीक है आप लोग देखोगे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, हमारे तालाब के आसपास होते हैं उसको काट के एक तरफ बांध के रखने से वो भी तालाब में प्लैंक्ट लाते हैं मछली के साथ आप बत्तख के भी पालन कर सकते हैं ठीक है मछली के साथ आप एजोला के भी कल्चर कर सकते हैं जो बत्तख का भी भोजन हो सकते हैं तालाब या मछली का भी भोजन हो सकता है और एजोला से आप फर्टिलाइजर बना के तालाब के पास में हॉर्टिकल्चर और वेजिटेबल भी ग्रो कर सकते हैं आप लोग में बहुत लोग मेरे ख्याल से मछली के बारे में जानते नहीं जानते मेरा आइडिया नहीं है यहाँ पर जो दो फोटो दिखा रहा हूँ ये मछली सबसे ज्यादा महंगा है ऊपर के मछली है उसको हम लोग मोरोला बोलते हैं मोला मछली तालाब में ऑटोमेटिक होते हैं हर पंद्रह दिन में ब्रीड करते हैं नीचे वाला जो मछली है वो नोटोपटेरस कहा जाते हैं कलना फिश बोलते हैं ये दोनों ऑटो ब्रीडर है जो लोग चाहते हैं अपना तालाब में ऑटो ब्रीडर इस फिश को ग्रोथ करें ये इस फिश को ग्रोथ कर सकते हैं ऑटोमेटिक और अच्छा खासा मार्केट में प्राइस है और उसके न्यूट्रिशन बढ़िया होते हैं यहाँ पर जो आप बांस देख रहे हो तालाब में लगा के रखा है बांस लगाने से ताल के पत्ता डालने से आपके तालाब में एक नेचुरल प्लैंकटन आते हैं जिसको हम लोग पेरीफाइटन बोलते हैं इसको भी आप लोग कभी कभी यूज करके नेचुरल जो भोजन मछली के लिए है उसको आप ग्रोथ कर सकते हो साथ में आप लोग चीतल मछली के पालन कर सकते हैं सिंगी मछली के पालन कर सकते हैं मागुर मछली के पालन कर सकते हैं यहाँ पर मैं दिखा रहा था पेरीफाइटोन जो बाद में आप देखो जो ये जो एल्गी लगा हुआ है ना ये रोहू मछली खाते हैं उसके बाद आप लोग मछली के भोजन के कॉस्ट घटाने के लिए स्पाइरोलीना के भी कल्चर कर सकते स्पायरोली के भी टैंक में यूज कर सकते हैं भोजन के साथ दे सकते हैं ठीक है यहाँ पर मैंने जो एक फोटो दिखा रहा हूँ एक चाय बगान के बीच में है जहां पर आप लोग देखो कितना अच्छा से साइड में नेट लगा के मछली पालन भी ये लोग कर रहे हैं जो लोग के पास स्पेस परे हुए हैं यूज नहीं कर पा रहे ये लोग आप लोग त्रिपाल लगा के भी इस टाइप के आर्टिफिशियल पौंड बना के इसमें फिश नर्सरी फिश कल्चर सिंगी मागुर के कल्चर ये सब आप लोग कर सकते हैं इवन पोर्टेबल टैंक में और केज कल्चर के माध्यम से भी आप लोग तालाब में मछली पालन कर सकते हैं भार्मी कंपोस्ट यूज कर सकते हैं और ऐसे पर्टिकुलर छोटा छोटा केज लगा के भी आप उसमें मछली पालन कर सकते हैं क्यों इस टाइप के जो हाउस होल्ड जो केज है एक ही तालाब के अंदर आप जब केज पालोगे इससे आपका क्या होगा इससे आपके एक्स्ट्रा कुछ मछली पालन आप लोग कर सकते हैं जैसे तेलापिया हो गया सस्ता में भी आप लोग केज बना के केज कल्चर एक ही तालाब के ऊपर दूसरा दूसरा मछली को पालन कर सकते हो साथ में फ्रेश वाटर एक्वा कल्चर में कोई चाहे तो हैचरी भी खोल सकते हैं पोर्टेबल हैचरी भी अभी अवेलेबल है जिसको आप एक तरफ उठा के आप चाहो तो बाका से पटना तक पटना से आप आ, 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 कोई भी दूसरे जो डिस्ट्रिक्ट से बिहार के कोई भी एरिया में आप लेके जा सकते हो ठीक है सीड बैग के भी काम आप लोग कर सकते हो एक ही तालाब में बहुत सारे सीट के भी पालन आप लोग कर सकते हो हाई डेंसिटी में मछली पालन कर सकते हो केज कल्चर कर सकते ऑलरेडी बोला हूं यहाँ पर पैन कल्चर मैंने आपको दिखा रहा हूँ साथ में यहाँ पर जो फोटो से है ये इसको कहा जाते हैं रेसवे और इसको कहा जाते हैं टैंक में मछली पालन तो ऐसे टैंक बना के भी आप उसमें मछली पालन कर सकते हो ठीक है आरएस कल्चर है बायोफ्लॉक कल्चर है एक्वापोनिक्स है आईपीआरएस इंटीग्रेटेड पॉन रेसो सिस्टम ये एक ही तालाब में आप लोग हाई डेंसिटी में मछली पालन कर सकते हो अभी हम लोग कुछ डिस्कस करते हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के बारे में जहां पर हम लोग खेती और मछली दोनों को एक साथ कर सकते हैं मगर हमेशा याद रखना जब खेती और मछली एक लोग एक साथ हम लोग करेंगे उसमें कभी भी पेस्टिसाइड और बायो पेस्टिसाइड और केमिकल इंसेक्टिसाइड यूज नहीं करना है तालाब के साइड में हम लोग हॉर्टिकल्चर के कल्चर कर सकते हैं तालाब के साथ हम लोग मशरूम के कल्चर कर सकते हैं तालाब के साथ हम लोग देसी मुर्गी पालन भी कर सकते हैं पोल्ट्री कर सकते हैं तालाब के साथ जैसे हम लोग में शुरू में भी दिखा रहा था बत्तख पालन कर सकते हैं तालाब के साथ हम लोग पिगरी कर सकते हैं तालाब के साथ इस टाइप के जो मछली है इसको भी ब्रीड कर सकते हैं और ऑर्नामेंटल फिश फ्रेश वाटर में और एक जो बिजनेस आप लोग कर सकते हो और जो आ, आप लोग डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो वो है रंगीन मछली के पालन वो काफी इंपॉर्टेंट है आप लोग हर कोई शायद जानते हैं अभी मछली पालन के साथ और एक चीज बहुत कॉमन है वो है पर्ल फार्मिंग जो पर्ल होते हैं ना लेडीज लोग लगाते हैं पर्ल एक ही तालाब में आप लोग पल के भी फार्मिंग कर सकते हैं खेती कर सकते एक साल में पर्ल आपके बन जाती है तो इसलिए आप लोग पर्ल फार्मिंग भी आपके जो मछली है उसके साथ इसको आप कर सकते हैं ठीक है तो ये सब हो गए आपके फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर में क्या क्या आप लोग कर सकते हैं फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर में आप और गौर क्या क्या डाइवर्सिफिकेशन ला सकते हैं अभी हम लोग एक छोटा मोटा मोटा एक एक सिस्टम के बारे में जान लेते हैं कैलेंडर ऑफ एक्टिविटीज कब आपको कैसे तालाब में प्रिपरेशन करना चाहिए पॉन्ड कंस्ट्रक्शन में आपको हमेशा मछली छोड़ने के पहले उसका डाइक साइड में जो आप लोग मिट्टी का बनाते हो डाइक और स्लोप उसको ठीक करना चाहिए पोर्ड को ड्राई करना चाहिए चूना के एप्लीकेशन करना चाहिए उसके बाद फर्टिलाइजर के एप्लीकेशन करना चाहिए जिसमें ब्लीचिंग पाउडर से चालू करके आप उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट यूज भी कर सकते हो जो केमिकली अवेलेबल है नहीं तो आप लोग गोबर के भी एप्लीकेशन कर सकते हो उसके बाद मछली को छोड़ना है एरिएशन लगाना है फीडिंग देना है बीच बीच में पानी के भी टेस्ट करना है जैसे यहाँ पर मैंने लिखा एक्वा डॉक्टर सोल्यूशन हमारे पास भी वाटर टेस्टिंग तो तो उसके भी डिटेल्स मैंने दिया हूं। तो और बीच बीच में हेल्थ चेकअप आपको करना है तो ये एक कैलेंडर ऑफ एक्टिविटीज आपके पास होना चाहिए कब मछली छोड़ना है कब हार्वेस्ट करना है और कैलेंडर ऑफ एक्टिविटीज रहेगी तभी आप मछली पालन में कुछ अच्छा खासा कर पाओगे अभी हम लोग एक डिस्कस करते हैं मछली पालन में आपका इकोनॉमिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है मछली पालन में actually, जो मीठा पानी में मछली पालन है नहीं फायदामंद है आप देखोगे कंस्ट्रक्शन ऑफ पॉन्ड एक हेक्टर के बनाने के लिए मोटा मोटी हम हमको एक लाख से पांच लाख रुपया चाहिए और डिपेंड करते हैं कितना साइज के डाइक बनाना है क्या सिस्टम होना चाहिए क्या स्लोप है उसके ऊपर उसके बाद हैचरी सेटअप करने के लिए मोटा मोटी आपको दो से तीन से आ, 3 से चार लाख रुपया में हो जाती है मगर दस लाख रुपया जो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ वो डिपेंड करता है इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा होंगे तो नर्सरी टैंक बनाने के लिए पचास हजार से दो लाख रुपया जस्ट या, आ, आ, आपको चाहिए मछली के जीरा खरीदने से भोजन से चालू करके मार्केटिंग तक पचास से दो लाख रुपया आप इन्वेस्ट करने से नर्सरी में क्या होता है हम लोग एक साल में कम से कम चार से पांच बार नर्सरी से बच्चा उठा के बेच सकते हैं ठीक है फीड कॉस्ट हमेशा आपको पकड़ के रखना चाहिए थर्टी टू थर्टी रुपीज टू फिफ्टी रुपीज पर किलो मार्केट में बहुत टाइप के फीड है मगर आपको डिपेंड करना चाहिए जिसमें सस्ता में आप अच्छा, आप फीड खरीद के अच्छा अच्छा मैनेजमेंट करके खासा प्रोडक्शन उसमें ले सके ठीक है यहाँ पर मैंने ऑपरेशनल कॉस्ट में कुछ कुछ एस्पेक्ट में डाला हूं ऑपरेशनल कॉस्ट में आपको क्या क्या चीज के बारे में सोचना चाहिए एक है लेबर कॉस्ट जो वेजेस है आपके यहाँ पर देखभाल करने वाले इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आपके पास एरिएटर है चलाने के लिए जो बिजली के खर्च है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपके जो ट्रांसपोर्टेशन है मार्केट के हार्वेस्ट करने के लिए उसके एक कॉस्ट पैकेजिंग एंड ब्रांडिंग जो आप मान के चलो दिन के एंड में आप मछली उठा के आप उसको बेचोगे उसका कोई ब्रांडिंग वाले हो, हो तो उसका एक कॉस्ट उसके साथ आ, जो लेबलिंग और ब्रांडिंग में और एक जो इम्पोर्टेंट है जो लोग मान के चलिए मेरा मछली मैं खुद दुकान खोल के बेचूंगा वो जो ब्रांडिंग है उसके लिए भी दो से तीन लाख रुपया करके भी अप्लाई फिश सेलिंग काउंटर भी खोल सकते हो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत सारे सब्सिडी के भी स्कीम्स हैं और मान के चलिए कोई सोचा मैं रोहू कतला से कुछ वेल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाऊंगा फिश मोमोज फिश बर्गर फिश कटलेट फिश समोसा फिश पकोड़ा इस टाइप के बनाने के लिए भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पचास लाख तक सब्सिडी के स्कीम अवेलेबल है कोई चाहे तो उसको भी आप लोग यूटिलाइज कर सकते हैं ठीक है आ, मैंने यहाँ पर एक फोटो लास्ट में डाला हूं मेरे प्रेजेंटेशन के एंड में ये जो जेंटलमैन है बेसिकली गूगल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं वो उनको जॉब मिला था यूएस में बेसिकली कर्नाटक से हैं मगर यूएस जाने के लिए उनके घर वाले अलाउ नहीं किए हैं और हम लोग जानते हैं जानते हैं कर्नाटका में बहुत आदमी के पास बहुत लैंड की अवेलेबिलिटी है उनके पापा बोला आप कुछ मछली पालन के बारे में सोचो कुछ मछली करके करो और उनको गूगल जॉब मिस सैलरी दे रहा था ढाई लाख रुपया पर मंथ अभी उसको बंद करके दो तीन तालाब खोद के आज के दिन में उनके पास दस तालाब है हर मंथ में वो दस लाख के ऊपर आन करते हैं और साथ में बीस आदमी के रो, रोजगार के साधन किए हैं तो उनके भाषा में वो क्या बोले आई एम देन एज नाउ बिकॉज़ आई नो हाउ टू ग्रो हेल्दी फिश उनके अर्थ ऐसे है मैं आज के दिन में बहुत खुश हूं क्यों मैं आज कैसे अच्छा मछली पालन हो सकते हैं उसके बारे में मैं सीखा हूं और मैं कर रहा हूं ठीक है आप लोग जो लोग हमारे साथ नियर फ्यूचर में जोड़ना चाहते हैं मेरे ऑफिस कलकत्ता में है जादवपुर में और हमारे एक यूट्यूब चैनल है जिसमें माध्यम से बहुत सारे मछली पालन के तथ्य आपको पास आएगी उसके लिए यूट्यूब के चैनल के नाम है एक्वा डॉक्टर सोल्यूशंस और फेसबुक और इंस्टाग्राम में एक पेज अवेलेबल है और साथ में हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एनएफीबी और मैनेज के एक एक्वा वन सेंटर चलाते हैं उसके भी मेन प्रायोरिटी है आप लोग को टेक्निकल सर्विस हम लोग बीच बीच में फ्री ऑफ कॉस्ट देते रहे तो आप हमारे साथ नियर फ्यूचर में कोई जोड़ना चाहते हैं तो आप लोग जोड़िए और यहाँ पर हमारे कॉन्टेक्ट नंबर्स और डिटेल्स हैं जिसके माध्यम से आप लोग भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं नियर फ्यूचर में अभी आपके बीच में कोई क्वेश्चंस हो तो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं थैंक यू सो मच थैंक यू मोहम्मद सर किसी पार्टिसिपेंट का कोई सवाल है एनी क्वेश्चन पार्टिसिपेंट साइड Please, feel free to ask. आपके कोई क्वेश्चन हो कोई भी जानकारी आपको एक्स्ट्रा भी पूछ सकते हैं हमारे प्रेजेंटेशन के बाहर में भी उसको भी कोई दिक्कत नहीं है जो क्वेश्चन है आप आराम से पूछ सकते हैं सर कोई क्वेश्चन नहीं किसी पार्टिसिपेंट्स की साइड से सो थैंक यू सो मच सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम Thank you so much thank you okay Bye. thank you